जेड़े स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम तो तैयारी कर रहे हैं उन्होंने तो पता ही है, उन्होंने तो समझ लग ही चुकी है कि किहड़ा फॉर्म अप्लाई करना चाहिए किहड़ा नहीं, तो क्यों जेड़े नवे ने या कह लो जो थोड़े टाइम तो उन्होंने पेपर देने स्टार्ट किए हैं उन्होंने हो सकता है कन्फ्यूजन हो इस टाइम पर किहड़ा फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, तो अज आपने उहदे बारे ही डिस्कशन करनी है, उहदे बारे ही समझना है। देखो पहला गल ये हैगी है कि एक्सैप्शनस हो सकती हैं, थोड़ी सोच पर्टिकुलर कुछ होर हो सकती है, थोड़ा कॉन्फिडेंस कुछ होर हो सकता है, तो कई जोड़ा है लैक ऑफ एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, तो वह एक्सैप्शनस रहनगियाँ। आप एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू तो समझेंगे भी की सही है या की सही होंगे ज़्यादातर, ठीक है जी। तो इस टाइम पर बहुत पोस्टा आई हुई ने जिमें कि सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, इंस्पैक्टर की पोस्ट है, डिप्टी रेंजर की पोस्ट है, बहुत पोस्टा ने। गल ये जिम्मे चंडीगढ़ एडमिन की भी पोस्ट हैगी है, जे कोई स्टूडेंट जोड़ा है अनअवेयर है उन्होंने नहीं पता तो तुम कमेंट्स के जाके टैलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर सकते हो या कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उन्होंने जोड़ा है जिन्या भी इस टाइम पर पोस्टा ने जड़िया भी आई हुई ने जो भी एलीजिबिलिटी है, जो भी पैटर्न होगा, सिलेबस की होएगा, एक्सपैक्टेड सिलेबस की है, तो वह सब कुछ जोड़ा है शेयर कर दिया जाएगा। तो देखो आप समझते हैं भी कि फॉर्म अप्लाई करना चाहिए तो कि इग्नोर करना चाहिए। जे तो थोड़ी एज हैगी है 34, 35, 36 इस तरह, देखो एलीजिबिलिटी होंगी है 37 साल, जे तो तुम नेड़े तेड़े हो, नेड़े तेड़े का मतलब यही है भी 33, 34, 35 ये वाली रेंज चो, फिर तो थोनू जोड़ा है चाहे एक सीट है, चाहे दो सीटा ने, चाहे जिन्या मर्जी ने, चाहे पेपर ईजी आना है, चाहे डिफिकल्ट आना, थोनू अप्लाई करना चाहिए। जेड़े भी फॉर्म के थोड़ी एलीजिबिलिटी बनती है थोनू डेफिनेटली फॉर्म फिल करना चाहिए जे ये कंडीशन हैगी है एज वाली। दूजे पास जे है भी तुसी 3 साल तो 2 साल तो तैयारी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तुसी PCS वर्गे पेपरों भी हाथ पाया होया, PPSC के पेपरों पाया होया, या तुसी बहुत तैयारी कर रहे हो, लगातार तैयारी बने हुए हो, लगातार तैयारी के एक साल बने रहना बहुत डिफिकल्ट होंगे सारे समझते हो, तो जे तुसी सिर्फ स्टडी कर रहे हो या तुसी इस तरह के शेड्यूल छो कि आने वाले 1 साल या 6 महीने मिनीम पूरा दिन स्टडी पर फोकस कर सकते हो, पूरा दिन स्टडी को दे सकते हो, ना कोई जॉब नहीं कर रहे, जे इस तरह की भी कंडीशन है तो भी मेरे अकॉर्डिंग जोड़ा है थोनू सारिया पोस्टा अपलाई करनिया चाहिए ने, सारे जोड़े है फॉर्म अपलाई करने चाहिए, चाहे उस दो पोस्टा ने चाहे 100 पोस्टा ने, जिन्या मर्जी पोस्टा ने जे तुम एलीजिबल हो तो अपलाई करो। हूँ आ गए जोड़े मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बारी भी हले इन्ना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पढ़न का इन्ना ज़्यादा टाइम नहीं है, या कह लो हले थोड़ी इन्नी सिटिंग नहीं है भी तुम इन्ना नहीं पढ़ सकते। जे उस तरह की कंडीशन हैगी है फिर मैं कहांगा पोस्टा नू इग्नोर करो, फिर जिवें वीडियो दे पेपर आ गए, चंडीगढ़ एडमिन की पोस्ट हैगी, फूड इंस्पैक्टर की पोस्ट हैगी, इस तरह पोस्टा लिए तैयार रहो। बाकी जिहड़ियां 10 पोस्टा ने, 8 पोस्टा ने, 7 पोस्टा ने, यह जी अपलाई ना करो, थोड़ा कितना कितने थोड़ा पता लगेगा, एक तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, कुछ नवा नहीं सीख पाओगे। जे तुसी कहोगे चलो एक्सपीरियंस हो जाऊगा पेपर देके, तो यह जहाँ कुछ नहीं होंगे, ऑफलाइन पेपर होंगे तो उस तरह का एक्सपीरियंस तुसी एक अद्धी बार ऑब्वियसली लै चुके होंगे, कोई ना कोई पटवारी वर्गा है कोई भी पेपर दे चुके होंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग उस सोच नाल तां तुहानूं फॉर्म नहीं भरना चाहिए। तुसी चंडीगढ़ एडमिन वाली पोस्ट जरूर फिल करो, जिहड़ी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाली हैगी है वह भी तुहानूं अपलाई कर देनी चाहिए है। बाकी जिहड़ियां जिवें उपर रेंजर की पोस्ट हैगी है, सीनियर सहायक की पोस्ट आई ने, तो जिहड़ियां बहुत घट पोस्ट आई ने ये तुसी इग्नोर करो, इहनू ना भरो, भरन दे काफ़ी लॉस हो सकते हैं, बेनीफिट होने की बहुत घट उम्मीद है। तो मैं तो एक बस सजेशन देना चाहना या डिस्कशन करना चाहता सी थोड़ी, ये मैं थोड़ा ये तो कह नहीं सकता भी तुसी नहीं भरनी, थोड़ा ऑर्डर तो दे नहीं सकता, पर एक थोड़ा जिहा रीज़न ये दस रहा भी कितना कितने पॉसीबिलिटी ना दे बराबर ही होंगी है क्वालीफाई करन दी। आपां नूं लग रहा हुंदा है बहुत जोश आंदा है, बहुत एक्साइटमेंट हुंदी है भी यार दो पोस्टा ने मैं तो एक लैनी है, वो प्रैक्टिकल गल्लां नहीं है। बहुत जिहड़े बच्चे ने इस तरह ने जिहड़े पिछले 1 साल तो बैठे हुए ने वो एक सीट लैण दे लई, ते तुसी हुण सोच रहे हो तो ऑब्वियसली थोड़ी पॉसीबिलिटी बहुत घट है, एवरीथिंग इज़ पॉसीबल नो डाउट,
पर एक्चुअल की पॉसिबल हो रहा है वो थोड़ा थोड़ा जो पता लग रहा होगा अपनी लाइफ तो या अपन अचीवमेंट्स तो कह लो या अपन जो है कह सकते हो एक्सपीरियंस तो ठीक है ना। तो कुछ गल् जगह ने पहले ही समझ आ जाए तो बैटर है, अदरवाइज एक्सपीरियंस नाल तो हर बच्चे जोड़ा है समय से या समय तो बाद समझ आ ही जाता है ठीक है जी। तो मैं कहना यही चाहना कि पोस्टा उही अपलाई करो जिहड़ियां काफ़ी ज़्यादा ने जिमें वीडियो वर्गी पोस्ट आएगी या जिमें फूड इंस्पैक्टर उन्हों हले टाइम मिलेगा तो काफ़ी पोस्टा होनगियां। चंडीगढ़ एडमिन के काफ़ी पोस्टा ने पर जे सीनियर असिस्टेंट की गल करिए जो इंस्पैक्टर की पोस्ट आई हुई है या होर पांच छे पोस्टा आई हुई ने वो काफ़ी घट ने तो उहदे बारे तुसीं सिलेबस पता कर रहे हो, सिलेबस तुहानूं थोड़ा जिहा अपने मतलब का लग रहा है। कई बच्चों को लगता कि बैचलर ऑफ साइंस मंगी हुई है तो यह बहुत घट बच्चों की होगी होगी तो मेरी बैचलर ऑफ साइंस हैगी है मेरी पॉसिबिलिटी इनक्रीज हो जूगी पेपर क्वालीफाई होने की, तो यह जी गल नहीं है जी। बहुत बैचलर ऑफ साइंस वर्गे बच्चे भी जिहड़े ने पिछले 2 साल तो 3 साल तो लगे हुए हैं तैयारी कर रहे हैं तो ओबियसली कॉम्पीटिशन थोड़े तो उपर ही है ठीक है ना। हूँ जो 4 पोस्टा ने तुम इस तरह की अपलाई कर रहे हो तो सोच रहे हो टैक्निकल बहुत उपर हो तो एक्सैप्शनस हो सकती हैं, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू तो मैनू नहीं लगता भी एवं होंगे होगा ठीक है। बाकी फाइनल डिसीजन थोड़ा अपना है, थोड़े बहुत जोड़े विचार ने मैं थोड़े ना जो है साझे करना चाहता सगा तो यही। तो जे कोई स्टूडेंट चाहता है गाइडेंस चाहता है की करना चाहिए की नहीं करना चाहिए, उन्होंने यही नहीं समझ आ रहा, नवे स्टूडेंट्स में तो यही नहीं समझ आता भी कि पेपर हैगा की हैगा की सिलेबस है की पैटर्न है किवें तैयारी करनी है किहड़े बुक चो पढ़ना है किहड़े वीडियो सुननी है की करना है, तो उस तरह की कोई भी गाइडेंस चाहिए है तो तुसीं कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, संदीप इंस्टीट्यूट पटियाला दे विच विजिट कर सकते हो तो आप जो है एक काउंसलिंग या डिस्कशन वाला काम कर सकते ठीक है जी। तो वीडियो में वो तो शेयर तो लाइक जरूर कर दिया करो, डिस्क्रिप्शन के ऐप का लिंक पे है उत्थे रिक्वायर्ड डेटा मिलता रहा है, कमेंट्स के टैलीग्राम चैनल का लिंक पे है उत्थे टू द पॉइंट अप टू डेट डेटा अपडेट होता रहा है तो तुम ज्वाइन कर सकते हो, उसमें जो है कोई भी नवी इनफॉर्मेशन है वो भी मिल जाएगी, मतलब जॉब की इनफॉर्मेशन है या कोई न्यूज़ है तो वो थोड़ा अपडेट होती रहेगी ठीक है जी। ओके फिर विश यू ऑल द बेस्ट, तो मैं उम्मीद करना जी थोड़ा बहुत थोड़ा समझ आया होगा तो तुम पोस्टा अप्लाई उस तरह ही करोगे जिस तरह तुम जोड़ा है सही रस्ते पर जाना चाहते ठीक है जी। तो ओके फिर वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।